That's my secret, Captain. I'm always angry. सो जब भी हम लोग बात करते हैं एनिमे एंड कॉमिक बुक्स की, तो उनमें कुछ ही कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेजरेबल स्ट्रेंथ व्यूअर्स को भी इम्प्रेस कर देती है। एंड अगर मैं बात करूं मार्वल कॉमिक्स की, तो उसमें जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है वो तो है ऑब्वियसली नन अदर देन द इनक्रेडिबल हल्क। एंड अगर मैं बात करूं एनिमे की, तो उसमें तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, बट यस आज की वीडियो में मैं बात करूंगा साइतामा की। हालांकि हल्क और साइतामा की अपीयरेंसेस और उनकी पर्सनैलिटीज का काफी ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड दोनों ही सुपर हीरोज अपनी फिजिकल ब्रूटल स्ट्रेंथ पे ही रिलाय करते हैं किसी भी फाइट में। इन दोनों की ही स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो इमेजरेबल है। साइतामा की स्ट्रेंथ की लिमिट अभी तक हम लोगों को एनिमे में दिखाई नहीं गई है, एंड हल्क की तो बात ही अलग है। कॉमिक्स में उसकी जितनी स्ट्रेंथ बहुत ही कम कैरेक्टर्स के पास है। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कभी साइतामा और हल्क के बीच में बैटल होगी तो कौन सा सुपर हीरो लास्ट में विक्टोरियस इमर्ज होगा। मैं आपको इन दोनों ही कैरेक्टर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा जो कि ये दोनों होल्ड करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। सो यस गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो साइतामा और हल्क इन दोनों ने ही अपने अपने यूनिवर्सेस में बहुत सारे एनिमीज को सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही डिफीट कर दिया है। गाइस यहाँ पे हम लोग को हल्क को भी कम नहीं समझना चाहिए। बेशक एनिमे में वन पंच मैन यानी कि साइतामा ने बहुत सारे पावरफुल बींग्स को सिर्फ अपने एक पंच से डिफीट कर दिया था, बट यस हल्क के भी कॉमिक्स में बहुत इंप्रेसिव फीट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उन कुछ एडवांटेजेस की जो कि साइतामा हल्क के अगेंस्ट होल्ड करता है, तो उसमें तो सबसे पहली चीज आती है उसकी इमेजरेबल स्पीड। साइतामा की जो स्पीड की लिमिट है वो आज भी अननोन है, कॉज वो हर बार अपने स्पीड के बैरियर को ब्रेक कर देता है। बेसिकली जितना फास्ट उसका एनिमी मूव कर सकता है उससे कई ज्यादा फास्ट साइतामा मूव कर सकता है। साइतामा बेसिकली इतना फास्ट है कि वो अपनी आफ्टर इमेजेस भी बना सकता है, जिससे वो अपने एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और फिर उनको इजिली डिफीट भी कर सकता है। एनिमे में हमने देखा था कि कैसे उसने लाइट स्पीड अटैक्स को भी बहुत इजिली डॉज कर लिया था। सन से मून तक का डिस्टेंस कुछ सेकंड्स में ही कवर कर लिया था। सो यस हम लोग इतना कंसीडर कर सकते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट जितना फास्ट जरूर होगा, हालांकि ट्रू लिमिट अभी भी अननोन है। एंड अगर मैं बात करूं हल्क की, तो हल्क भी काफी फास्ट है, बट साइतामा जितना नहीं, क्योंकि हल्क का शरीर थोड़ा बल्की है, इसीलिए वो साइतामा जैसे स्पीड में ट्रैवल तो नहीं कर सकता, बट यस काफी लंबी लंबी लीपिंग कर सकता है, जिससे वो वास्ट डिस्टेंसेस को कुछ सेकंड्स में ही कवर कर सकता है। एंड यस अपनी एक लीप से तो वो एक बार प्लेनेट के ऑर्बिट से भी बाहर चला गया था, बट फिर भी साइतामा की स्पीड यहाँ पे उसको काफी हेल्प करेगी हल्क के अगेंस्ट। बट यस यहाँ पे हल्क के पास भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड वो है उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज। अगर साइतामा ने कुछ सेकंड्स में ही बहुत सारे पंचेस हिट कर भी दिए हल्क को, तब भी हल्क कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स में ही दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। पूरे मार्वल यूनिवर्स में हल्क का जो हीलिंग फैक्टर है वो वन ऑफ द बेस्ट है। साइतामा ने ऐसी पावर अभी तक तो कोई शोकेस नहीं की है, बट यस हल्क ने अपनी कॉमिक्स में इस पावर का बहुत यूज किया है। अब बेसिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनिमे में साइतामा को अभी तक उसका कोई एनिमी इस स्टेज तक ला ही नहीं पाया कि उसको हीलिंग की जरूरत पड़े, बट यस हल्क का जो ये टैलेंट है ये उसको साइतामा के अगेंस्ट इस फाइट में काफी काम आएगा। यहाँ पे साइतामा एयर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। बेसिकली साइतामा इतना हार्ड पंच करता है और इतनी तेजी से पंच करता है कि वो एयर को भी मैनिपुलेट कर लेता है। फिस्ट फाइट में तो साइतामा का कोई जवाब ही नहीं है, और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि साइतामा के पंचेस हल्क को बहुत हर्ट कर सकते हैं। हालांकि हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड वो जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनता जाता है। बेसिकली हल्क की जो पावर्स और उसकी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है हल्क की रेज पे। वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा वो अपनी लिमिटेशंस को उतना ही ज्यादा ब्रेक करेगा। एंड अगर आप लोग को हल्क के फीट्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, प्लैनेट हल्क कॉमिक आर्क में हल्क ने सिर्फ अपने हाथों से प्लैनेट के कोर को पकड़ लिया था और टेक्टोनिक प्लेट्स तक को जोड़ रखा था ताकि प्लैनेट डिस्ट्रॉय ना हो। आप खुद ही सोच सकते हैं उसने टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने हाथों में पकड़ लिया था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बार इतना गुस्सा हो गया था कि वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बन गया था, जो कि उसके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। एंड उसके बाद तो सिर्फ उसके चलने से ही पूरी न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। आप खुद ही सोच सकते हैं उसके चलने से ही। एंड एक बार उसने कॉमिक्स में टाइम तक को पंच कर दिया था जब वो कैंग द कॉन्करर की हेल्प कर रहा था, एंड कैंग ने उसको टाइम स्टीम में भेजा था। तब उसने टाइम स्टॉर्म को सिर्फ अपने पंचेस से रोक दिया था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हल्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है कॉमिक्स में। एंड इसमें तो कोई शक नहीं कि हल्क का भी हर एक पंच साइतामा को काफी दिक्कत में डाल देगा, कॉज जैसे मैंने आपको उसके कुछ फीट्स बताए उससे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हल्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
हालांकि साइतामा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी तक साइतामा को एनीमे में कोई ऐसा अपोनेंट मिला ही नहीं है जो कि उसको एक ट्रू चैलेंज दे सके। उसकी भी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड ये लिमिटलेस दिखाई गई है एनीमे में। हमें अभी तक ये देखने को नहीं मिला कि साइतामा की लिमिट क्या है। एंड यस गाइस, साइतामा की जो ट्रू पावर्स हैं वो अभी भी अननोन है, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ उसको पंच करते हुए देखा है, किक करते हुए देखा है, बिकॉज उससे ज्यादा उसका कोई एनिमी उससे कुछ करा ही नहीं सकता। साइतामा को तो खुद नहीं पता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं एंड वो क्या क्या कर सकता है। एंड उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड के अलावा उसकी कोई भी पावर्स अभी तक दिखाई नहीं गई हैं। बट यस, आगे जाके हम लोग को उसकी और भी पावर्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कभी हल्क और साइतामा में फाइट होगी तो कौन जीत सकता है इस फाइट में, तो गाइज इस बैटल का रिजल्ट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से साइतामा और हल्क में कभी फाइट होगी तो कौन जीतेगा, इन दोनों पावर हाउसेज में कौन होगा विक्टोरियस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा रीजनेबल लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। सो यस गाइस, अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।